हे गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ड्यून 2 की रिलीज डेट बस दो ही दिन दूर है और मैंने सोचा क्यों ना इसके पार्ट 1 का रिकैप करूं और इसका वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको पार्ट 2 देखने में और भी ज्यादा मजा आए। तो चलिए अरेकिस के रेतीले पहाड़ों में चलते हैं। ड्यून अडेप्टेशन है फ्रैंक हर्बर्ट की जॉनरा ब्रेकिंग बुक ड्यून से, जो उन्होंने 1965 में लिखी थी, जिसके आगे 6 और भी फॉलो अप बुक्स हैं। मूवी की कहानी सेट है ईयर 10,191 में। गैलेक्सी काफी सारे फैक्शंस में बटा हुआ है, पर इनमें तीन हाउसेस ऐसे हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये तीन हैं हाउस एट्रेडिस, रूलर ऑफ प्लैनेट कैलाडन, हाउस हार्कनन, रूलर ऑफ गेडी प्राइम, और हाउस कोरिनो। इनों ही हाउसेस को लीड करते हैं इनके ड्यूक्स, जिन्हें मिलकर बनाता है इंपीरियम, जो कि पूरे यूनिवर्स की पावर को कंट्रोल करता है। ड्यून के इस सागा में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है एट्रेडिस। हमारा प्रोटैगनिस्ट पॉल हाउस एट्रेडिस का एयर है, जिसे फिलहाल उसके फादर ड्यूक लीटो द फर्स्ट ओवरसी करते हैं। उनके साथ है उनकी कॉन्क्यूबाइन लेडी जेसिका। इसी के साथ यहाँ पर डंकन आइडेहो और गर्नी हेलेक, जो कि हाउस एट्रेडिस के लॉयल एलाइज हैं। बात करें हाउस हार्कनन की, तो ये हाउस एट्रेडिस के लॉन्ग टाइम राइवल रहे हैं सिंस द बटलेरियन जिहाद। अब बटलेरियन जिहाद ह्यूमंस रेस की फाइट थी टेक्नोलॉजी और थिंकिंग मशीन्स के अगेंस्ट, जो कि लगभग 100 साल तक चली। और इसी वजह से हमें ड्यून में इतने एडवांस वर्ल्ड होने के बावजूद भी कोई भी रोबोट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कमिंग बैक, हाउस हार्कनन का ड्यूक है बैरन व्लादिमिर हार्कनन, जिसके साथ उसका नेफ्यू ग्लोसू राबान हार्कनन एयर है। फिर आते हैं हाउस कोरिनो पर, जिसके मूवी में फिलहाल हमें कम ही मेंशन देखने को मिला है। इस हाउस को लीड करता है सदाम द फोर्थ ऑफ द पेडिशा एम्पायर। हाउस कोरिनो पिछले 10,000 सालों से गैलेक्सी के ऊपर रूल कर रहा है, पर जब वो अपने कजन ड्यूक लीटो द फर्स्ट से जेलस होता है, जिसे उसके ऑनर और करिश्मा के लिए थ्रू आउट द गैलेक्सी काफी पसंद किया जाता है, तो एम्परर हाउस हार्कनन के साथ मिलकर एक साजिश बनाते हैं ताकि वो हाउस एट्रेडिस को मिटा सकें। इन बड़े हाउसेस के अलावा गैलेक्सी डिपेंड करती है लैंड्सराड पर, जो बाकी के स्मॉल हाउसेस को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आता है स्पेसिंग गिल्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस वर्ल्ड में सारी ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्पेसिंग गिल्ड ही इंटरस्टेलर ट्रैवल को पॉसिबल कर सकता है, जिस वजह से वो काफ़ी पावरफुल है और उनकी एक तरह से मोनोपोली चलती है। इस सब के अलावा महलों की अंधेरी गलियों में छुपी हैं बेने जेसेरेट, जिनका काम है पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स करना। ये एक विचिस का ग्रुप है जो कि सेंचुरी से स्ट्रिंग्स को पुल कर रही हैं, जिसके लिए वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ करती हैं। इसके अलावा इसके पास पावर्स भी हैं, जिसमें से एक है द वॉइस, और इसके इस्तेमाल से ये किसी को भी अपनी विल के अकॉर्डिंग एक्ट करवा सकती हैं। यूनिवर्स की फाइनल फैक्शन है फ्रेमेन। ये प्री पीपल की ट्राइब है जो कि प्लैनेट अराकिस पर रहती है। फ्रेमेन की ही मेम्बर है चानी, जिसके ड्रीम पॉल को थ्रू आउट द मूवी में दिखते हैं। इसके अलावा प्लैनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर लेय काइनेस और ट्राइब लीडर्स ट्रिलगार भी की कैरेक्टर्स हैं पॉल की जर्नी में। अब प्लैनेट अराकिस पूरे ड्यून वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ मिलता है एक स्पेशल ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे कहा जाता है स्पाइस। इसी की मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल किया जाता है, क्योंकि ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। उसके अलावा स्पाइस के यूज से ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंड करा जा सकता है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल है और प्लैनेट अराकिस पर सभी हाउसेस की नज़र है। अब ड्यून के यूनिवर्स में कंप्यूटर और रोबोटिक टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसा मैंने बताया ही था। इसकी वजह से यहाँ हाउसेस के पास होते हैं मैंटैट्स, जो कि हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, जिन्हें आप ह्यूमन कंप्यूटर समझ सकते हो, जिनकी मदद से हाउसेस कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं। फ्रेमेन के अलावा प्लैनेट अराकिस होम है सैंडवॉर्म का, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, जिसकी वजह से ही ये स्पाइस मेलांग प्रोड्यूस होता है। इस सब के साथ ये सैंडवर्म अराकिस को गार्ड भी करता है, जहां ये रिदमिक वाइब्रेशंस पर रिस्पॉन्ड करता है। फ्रेमेन ने इनके साथ रहना सीख लिया है, जो कि इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अब जब आपको ड्यून के वर्ल्ड का बेसिक आइडिया मिल गया है, तो अब आते हैं इसके पार्ट 1 के एक क्विक रिकैप पर। Your son is dead, your concubine is dead. Tonight the house of Atreides falls. And your bloodline ends forever. ईयर 10,191 में ड्यूक लेटो एट्रेडिस रूलर ऑफ प्लैनेट कैलाडन को पडिशा एम्परर सदाम द फोर्थ असाइन करते हैं एज द फ्लेफ होल्डर ऑफ अराकिस, जहां वो रिप्लेस करता है बैरन व्लादिमिर हार्कनन को।
अराकिस एक हार्ज डेजर्ट प्लैनेट है और पूरी गैलेक्सी में स्पाइस का एक लौता सोर्स है। स्पाइस के ही इस्तेमाल से काफी साइकोट्रॉपिक चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, जैसे वाइटैलिटी बढ़ना और इंक्रीज्ड अवेयरनेस। स्पाइस ही वो वजह है जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है, जो कि स्पेसिंग गिल्ड नेविगेटर्स को स्टारशिप को गाइड करने में हेल्प करता है। शदाम हाउस हार्कनन के साथ मिलकर अराकिस को रीटेक करने का प्लान बनाता है, जहां हार्कनन की मदद करेंगे द सर्दुकोर ट्रूप्स, जो कि गैलेक्सी के मोस्ट फियरसम बटालियन है। लीटो को एम्परर पर पूरा शक था, पर उसे मौका भी दिख रहा था अराकिस को कंट्रोल कर और नेटिव फ्रेमन के साथ एक अलायंस करने का। लीटो की वाइफ लेडी जेसिका बेने जेसरेट की एकोलाइट है, एक सिस्टरहुड जिसके मेंबर्स पोजेस करते हैं एडवांस फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को। बेने जेसरेट जेसिका को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनके सेंचुरीज लॉन्ग ब्रीडिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो एक बेटी को जन्म दे, जिसका बेटा बनेगा क्विजार्ड्स हैडरैक, जो कि एक मसाया होगा जो कि ह्यूमैनिटी को गाइड करेगा एक बेटर फ्यूचर में। जेसिका को लीटो से प्यार हो जाता है और वो उसे एक बेटे को जन्म देती है, पॉल एट्रेडिस, जिसे ट्रेन करते हैं लीटो के साथी डनकन आइडेहो और गर्नी हैलेक और उनका सूप डॉक्टर वेलिंगटन यू और उनका मैंटेट थ्यूफर हवात। जेसिका पॉल को बेने जेसरेट डिसिप्लिन सिखाती है। पॉल डंकन और जेसिका को अपने विजन्स के बारे में बताता है। द रेवरेंट मदर और इंपीरियल टूथसेयर गायस हेलेन मोहेम गैलेडन आती है, जहां वो पॉल का डेथ अल्टरनेटिव जबार टेस्ट लेती है, ताकि वो उसकी ह्यूमैनिटी और इंपल्स कंट्रोल को परख सके, जिसमें पॉल पास होता है। गेडी प्राइम पर एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां मोहेम बैरन हार्कनन को इंसिस्ट करती है कि वो पॉल और जेसिका को जाने दे, जिस पर तब तो वो हाँ कहता है, पर उसका ऐसा इरादा नहीं था। हाउस एट्रेडिस अराइव करते हैं अरेकिन पर, जो कि एक फोर्ट्रेस स्ट्रॉन्गहोल्ड है प्लैनेट अराकिस पे। डंकन की एडवांस पार्टी ने फ्रेमेन के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ के नेटिव जेसिका और पॉल की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस पर जेसिका बताती है ये सब बेने जेसरेट के बताए हुए बिलीव्स के कारण है, जो इन्होंने इस प्लैनेट पर सेंचुरीज पहले एस्टेब्लिश करे थे। लेटो मिलता है फ्रेमेन के लीडर स्टिलगार से, जहाँ वो नेगोशिएट करते हैं और मिलते हैं एम्पेरियल जज ऑफ चेंज डॉक्टर लेया काइनस से, जो कि एक प्लैनेटोलॉजिस्ट है और वो फ्रेमेन के बीच रहती है। काइनस उन्हें स्पाइस हार्वेस्टिंग के डेंजर्स के बारे में बताती है और साथ ही उन्हें सैंडवर्म्स के बारे में बताती है। एक टूर के दौरान वो एक स्पाइस हार्वेस्टिंग क्रू को सैंडवर्म से बचाते हैं। पॉल यहाँ पर स्पाइस से एक्सपोज हो जाता है, जिससे उसे प्रेमिनिशंस आने लगते हैं। पॉल को असैसिनेट करने के लिए हंटर सीकर को भेजा जाता है, पर वो फेल होता है। यू अट्रेडिस को बिट्रे करके अरेकिन की शील्ड डिसेबल कर देता है, जिससे हार्कनन्स और सोडाकार उन्हें इन्वेट कर देते हैं। वो यहाँ लीटो को इनकैपेसिटेट करता है, क्योंकि उसकी वाइफ को हाउस हार्कनन ने होस्टेज बना रखा था। अपनी वफादारी के चलते यू लेटो के दांत में एक पॉइजन कैप्सूल को रिप्लेस करता है, ताकि ड्यूक लेटो बैरन को मार सके। बैरन यहां यू को डबल क्रॉस करके उसे मार देता है। तभी लीटो गैस को रिलीज कर देता है, जिस कारण वो उस रूम में सभी मौजूद बंदों को मार देता है। बैरन का मेंटेट मर जाता है, पर बैरन किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। इस सब में जेसिका और पॉल गहरे रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, पर यू यहाँ उनके लिए स्टिल सूट्स और बाकी सर्वाइवल सप्लाई छोड़ जाता है। पॉल और जेसिका रात भर डेजर्ट में जर्नी करते हैं, जहाँ पॉल स्पाइस से सराउंडेड था। उसे एक ब्लडी होली वॉर के विजन्स आते हैं, जो कि यूनिवर्स में लड़ा जाएगा उसी के नाम पर। बैरन हार्कनन अराकिस को कॉन्कर करने का कमांड अपने नेफ्यू रब्बान को देता है और उसे ऑर्डर करता है स्पाइस प्रोडक्शन को रिस्टार्ट करने के लिए, ताकि वो इन्वेजन की कॉस्ट को रिकवर कर सके। यहाँ डंकन और काइनिस को पॉल और जेसिका मिलते हैं और पॉल अपना प्लान बताता है, जहां वो सद्दाम की बेटी से शादी करेगा ताकि ये सिविल वॉर प्रिवेंट हो सके। सार्डोकार सोल्जर्स वहां उन्हें ढूंढ लेते हैं, पर डंकन खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि पॉल और जेसिका वहां से बचकर भाग सके। काइनिस इस सब में घायल हो जाती है, पर वो एक सैंडवॉर्म को समन कर लेती है, जो उन सबको खा जाता है। डीप डेजर्ट में पॉल और जेसिका का सामना स्टिलगार की ट्राइब से होता है, जहाँ पॉल को मिलती है चानी, जो कि उसके विजन्स में उसे दिखाई दी थी। फ्रेमेन वॉरियर जैमी स्टिलगार के डिसीजन को अपोज करता है और पॉल को एक रिचुअल ड्यूअल टू डेथ के लिए चैलेंज करता है। पॉल ये ड्यूअल जीत जाता है। जेसिका के विश के अगेंस्ट पॉल फ्रेमेन को ज्वाइन करता है, ताकि वो अपने फादर के गोल को पूरा कर सके और अराकिस पर शांति ला सके। इससे आगे की कहानी हमें ड्यून 2 में देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज हो रही है 29 फरवरी को आईमैक्स फॉर्मेट में और 1 मार्च को सभी थिएटर्स में। उसके रिव्यू को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना।
मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप को ज्वाइन करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने थॉट्स मुझे कमेंट कर मत बताना भूलना। Struggle with every step, and I cannot get away.